सो गाइस, आज के स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का पेपर ड्रॉन पेंसिल स्केच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने कौन से फोटो में, जो कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का फोटो अपना एडिट करना है तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ये वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, और जो भी बैकग्राउंड पीएनजी यूज करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देखने का डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है टूल्स पे, यहाँ पे जो क्रॉप वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट के साइज में इसे क्रॉप कर लेना यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से इसे डन कर देना तो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो पे, और यहाँ से आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। आप यहाँ पे कौन सा फोटो अपना ऐड कर सकते हो, और इसे ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है, और इसके यहाँ पे जो सैचुरेशन है इस पर क्लिक करके सैचुरेशन को आपको -100 कर देना है, जिससे देख सकते हो हमारा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी डिक्रीज कर लेना है 15% के आसपास, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज और शैडो को भी इंक्रीज कर देना, और यहाँ से इसे डन कर देना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, और इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और नॉइस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसका जो अमाउंट है 30% रख लेना है, और ये वाला जो आइकॉन यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है आर्टिस्टिक वाला ऑप्शन पे, और आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो इफेक्ट है ऑयल पेंटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसका अमाउंट जो है आपको यहाँ पे 10% के आसपास रख लेना है, और ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके इसे मर्ज कर देना, और यहाँ से इसे डन कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपके यहाँ पे जो रिमूव बीजी वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक कर देना, और इसे अप्लाई करने के लिए आपके यहाँ पे जो नेट ऑन होना चाहिए तो ऑन कर लेता हूँ मैं, और वापस से क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड एक ही क्लिक में रिमूव हो जाएगा। तो ये जाने के बाद आपको फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, और आपको यहाँ पे जो मैजिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इस तरफ स्वाइप करते जाना तो यहाँ पे एक इफेक्ट आ जाएगा स्केची वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हो इस तरह का इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके यहाँ पे जो इफेक्ट है आपको रख लेना है यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, और यहाँ से इसे डन कर देना। और ये जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इसे जूम करके एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और एडजस्ट करने के बाद इसका यहाँ पे जो ओपेसिटी है कम कर लेना। मैं यहाँ पे इसका जो ओपेसिटी रख लेता हूँ 42, और यहाँ से इसे डन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो हेयर का इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसे लाने के लिए हमें यहाँ पे जो टूल्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है, और यहाँ पे क्लोन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और आपके यहाँ पे इस तरह से इसे जूम कर लेना है, और यहाँ पे जो ब्रश वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको साइज को इंक्रीज करके यहाँ पे जस्ट इस तरह से अप्लाई कर देना सर्किल पे आप क्लिक करने के बाद, तो देख सकते हो यहाँ पे हेयर आ जाएगा। यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपके यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे जाना है, और अपने सेम फोटो को आपको यहाँ पे वापस से ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद इसके जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर लेना, ताकि हम यहाँ पे पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ अपने फोटो को मैच कर सके जूम करके कुछ इस तरह से। तो देख सकते हो यहाँ पे परफेक्टली मैच हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ पे भी टैप कर देना है, तो यहाँ पे आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और इस बार आपको इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है, और इसे आपको अपने हाफ फेस पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपके यहाँ पे अपने फोटो को वापस से 100% ओपेसिटी फुल कर लेना है। फिर इरेज़ पे जाके कर देना इन्वर्ट, और रिस्टोर पे जाके आपके यहाँ पे जो इसका हार्डनेस है 80% इंक्रीज कर देना है 86, और साइज कितना भी रख सकते हो, और जस्ट आपको यहाँ पे इस तरह से इसे अप्लाई कर लेना है। ओनली यहाँ पे जो इनसाइड वाला पार्ट है इसे आपको अप्लाई कर लेना है। तो जल्दी से मैं आप इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, मैं वापस से इरेज वाले ऑप्शन पे जाके इसे रिस्टोर कर लेता हूँ, और ये जाने के बाद यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है टूल्स पे, और यहाँ पे जाना है एडजस्ट वाला ऑप्शन पे, और फोटो के टेम्परेचर को आपको यहाँ पे 10% के आसपास इंक्रीज कर लेना है, और हाइलाइट्स को डिक्रीज करके शैडो को इंक्रीज कर लेना, फिर सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना, और क्लैरिटी को इंक्रीज और कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करने के बाद यहाँ से कर देना डन। तो ये देख सकते हो बिफोर आफ्टर, तो हमारा फोटो यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको येलो आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना है। सो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो अगर आपको ऐसे और फीचर में वीडियो देखना है तो चैनल को जैसे से सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक और एक अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।